हेलो फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कल यानी कि 3 मई बुधवार के दिन वैशाख मास के प्रदोष है और यह प्रदोष अब आखिरी है। पूरे साल में वैशाख महीना भी एक ही बार आता है और उसमें 2 प्रदोष आती है, ये वाली आखिरी प्रदोष है। इस प्रदोष को आपको एक बहुत ही सरल उपाय करना है। उपाय के फायदे ये है कि यदि आपके घर में माता लक्ष्मी की कमी हो रही है, आप काम तो करते हैं लेकिन बरकत नहीं रह पा रही है, और यदि आपने किसी से लोन लिया है, पैसे उधार लिए हैं, कुछ ना कुछ ऐसे लक्ष्मी जी की कुछ ना कुछ कमी आपके घर में हो रही है, तो इन सब की समस्या से दूर रहने के लिए आपको ये उपाय करना है। उपाय बहुत ही सरल है, उपाय धतूरे का है, लेकिन आपको जानना ये ज़रूरी है कि धतूरे को किस दिशा में चढ़ाना है और कैसे चढ़ाना है। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ले लेना है, एक लोटा जल भरना है और एक अच्छा साफ़ सुथरा धतूरा लेके पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। अब आपको करना क्या है, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो या दक्षिण दिशा की ओर, आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन जो धतूरा है उसको चढ़ाना कैसे है ये अच्छे से समझना है। सबसे पहले आप जल नहीं चढ़ाएंगे, पहले आपको धतूरा ही चढ़ाना है। धतूरा चढ़ाना ऐसे है कि जैसे कि आप बैठे हैं और आप धतूरा चढ़ा रहे हैं, तो जो धतूरे की जो डंडी होगी ना, वो आपकी विपरीत दिशा में होगी। आया ना समझ में? जैसे कि आप इधर बैठे हैं तो डंडी होगी वो आपके उधर की साइड होगी, यानी कि विपरीत दिशा में। किसी भी साइड आप बैठो लेकिन धतूरे की डंडी विपरीत दिशा में होगी। उसके बाद में धतूरा चढ़ाते समय आपको भगवान शिव जी का नाम लेना है, हाटकेश्वर महादेव। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और धतूरे को समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलकर। उसके बाद जो आप एक लोटा जल भर के लेके आए हैं, उस जल को धीरे धीरे स्लो मोशन में भगवान शिव जी को समर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाएं, ठीक है। जाप करने के बाद जो जल गया है जलाधारी से, वो जल लेकर आप आचमन कर लीजिए, अपनी मनोकामना बोल दीजिए। उसके बाद में ये ध्यान रखना है कि वो जो धतूरा आपने चढ़ाया है उसको वापस हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर वापस अपने पास ले लेना है और अपने घर लेके आ जाना है। अपने घर लाकर अपनी तिजोरी में रख देना है, या तो आप लाल कपड़े में बांधकर भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तिजोरी में रखें या अपने व्यापार में कहीं गल्ले में ऐसी जगह पर रखें जहां आपको और किसी को दिखाई ना दे, ठीक है। ये उपाय करने के बाद आपके घर में कभी भी लक्ष्मी माता की कमी नहीं आएगी। ये उपाय आप ज़रूर करके देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।